हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जांच में जुटे नर्सेस का पुलिस पर डंडे मारने का आरोप। नर्सेस ने सर्वे काम बंद कर एमजीएच में किया प्रदर्शन। भरतपुर में जहां चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों के बीच हुआ विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, वहीं जोधपुर में भी अब चिकित्सा कर्मी व पुलिस के बीच विवाद हो गया है। शहर में कोरोना के मरीजों की तलाश में घर घर सर्वे कार्य में जुटे कुछ नर्सेस ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। नर्सेस का आरोप है कि दिन भर सर्वे कर रात को दूध और खाद्य सामग्री लेने निकले चार नर्सेस को पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों पर पकड़कर डंडों से पिटाई कर दी। 3 या 4 बजे हम सर्वे से वापस लौटते हैं, उसके बाद में हम खाना खाते हैं, फिर घंटा भर रेस्ट करके जब बाहर जाते हैं मार्केट में तो पुलिस द्वारा मारपीट किया जाते हैं। हम आईडी कार्ड लगा के जाते हैं, आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस बोलती है, मारपीट करती है। इनमें से दो नर्सेस को ज्यादा चोट आने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। आज सुबह सभी नर्सेस ने सर्वे कार्य में जाने से इनकार कर दिया और अस्पताल में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरकत में आए अस्पताल प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को बुलाकर वार्ता शुरू की, लेकिन वार्ता थोड़ी देर में ही टूट गई। और दोबारा अब आज है ना, संक्रमित एरिया में हम लोग ही जाते हैं सबसे पहले। कोई बंदा मिलता है ना तो हम लोगों को सर्वे के लिए भेजते हैं घरों में, और वहाँ पे आज 10 बंदे एडमिट है हमारे एमजीएच में। उन लोगों की बात बाहर क्यों नहीं पहुंचाई, क्योंकि हमारे प्रशासन की इंसल्ट होगी, ये कह के हम लोगों को चुप करवा दिया। आज ये आवाज इतने सारे इकट्ठा हुए ना पूरे स्टूडेंट, तब इन लोगों ने ये लोग आज बाहर आए, जबकि कोई हॉस्टल के छात्रों ने ना पहले ही एप्लीकेशन शांति तरीके से एप्लीकेशन लिखी थी। इन लोगों को बोला गया कि तुम लोगों को रेस्टिकेट कर देंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, घरों तक फोन चले गए थे, इन लोगों को चुप करा दिया गया। लेकिन आज सब उठे ना, जाएंगे तो जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो सर्वे करेंगे। नर्सेस का कहना है कि अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पुलिस हमें धमका रही है, ऐसे में हमारे लिए काम करना संभव नहीं होगा। नर्सेस के हड़ताल से शहर में डोर टू डोर सर्वे काम ठप हो गया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।